बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजा। देखो एक सच है, जो हमारे जो भी बुड्ढे हैं ना वो पूरी तरह चुतिया गए, जो भी 60 प्लस बुड्ढे पागल हो गए अभी, ठीक है। मैं सुबह एयरपोर्ट में हुए, एक बुड्ढा पूरे एयरपोर्ट में चिल्ला रहा है, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना का माल मत ले, चाइना आउट, नो चाइना। बोला अंकल ये सॉक्स है, ये बिलासपुर में बनते हैं, जो प्लेन में आप बैठने जा रहे हो शायद चाइना का है, काम करो ट्रॉली में बैठो, बुड्ढी को बोला धक्का मारेगी। एक बुड्ढा मेनलैंड चाइना के बाहर बोर्ड पकड़ के खड़ा है, बॉयकॉट चाइना, दे आर आर एनिमी। क्या मतलब, खाना चाइनीज है, कंपनी इंडियन है, क्या बात कर रहा है? फिर चाइनीज कंपनी कौन सा है? फिर चाइनीज कंपनी पेटीएम है, जिसका लास्ट ईयर बोर्ड मोदी जी लेके खड़े थे, बैठ जाओ। बहुत फुदक रहा यार, बहुत ही मतलब कुछ है ही नहीं यार, इनका कोई रोक टोक ही नहीं है। मैं चल रहा हूँ, मेरे चप्पल पे च्युइंगम चटक गया, मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ यार ये कहाँ होता है यार ये सब, मतलब क्या है। सडनली इधर से एक बुड्ढा, अगर च्युइंगम से भी प्रॉब्लम है ना तो पाकिस्तान जाओ, जाओ पाकिस्तान, देखो क्या होता है वहाँ। मैं बोला क्यों जाना है पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तान क्यों? वहाँ पर लोग च्युइंगम नहीं खाते, भेजो सिंगापुर जाते हैं, वहाँ पे च्युइंगम बैन है, भेजो वहाँ पे। ये इन्फॉर्मेशन बुड्ढे के सर में घुसा ही नहीं, बोला क्या बात कर रहा है, च्युइंगम किधर बैन होता है यार, कुछ भी बोलता है तुम लोग यंग लोग, च्युइंगम थोड़ी जो बैन होगा यार, माणिक चंद हो सकता है। यार अंकल माणिक चंद तो डिस्कवर भी नहीं हुआ और वहाँ पे च्युइंगम बैन है। पर च्युइंगम में क्या बैन है, खाना बैन है या खरीदना बैन है? बोला अगर खाना बैन हुआ तो खरीद के अगाड़ में चिटकाओगे, वो डायरिया रोकने के लिए नहीं है, वो चबा और फेंको। मन मैं अपना गाड़ी पार्क करके गया, ठीक है, मेरे हिसाब से पार्किंग है, गवर्नमेंट के हिसाब से पार्किंग है, एक बुड्ढे के हिसाब से नो पार्किंग है। बुड्ढा चारों टायर का हवा निकल दिया, मैं आया वापस, बुड्ढा ऐसा बैठा, मैं बोला अंकल आप किया क्या ये? हाँ मेरे को मेरे घर के बाहर गाड़ी नहीं चाहिए। बोला ठीक है पर अभी हटेगा कैसा? वो पहियों का कुछ काम था पूरी तरह, मतलब मैं सिक्योरिटी चेक में हूँ, ठीक है, मैं हूँ, आगे एक बुड्ढा खड़ा है, एक आदमी आके लाइन तोड़ दिया, बुड्ढा भड़क गया, बुड्ढा चिल्ला रहा है, गांव से आया क्या, गांव से आया तू, गांव से आया। आदमी ने क्रिटिसिज्म लिया ही नहीं, आदमी को लगा क्वेश्चन है, गांव से आए, नहीं जा रहा हूं। चाचा के बेटे का शादी है, पहले भोपाल जाएंगे फिर मथुरा का प्लान बनाए फैमिली के साथ, आप कहां जा रहे हो? बुड्ढा पार्सल, बुड्ढा मेरे को देखा फॉर वैलिडेशन, बोला अंकल मैं आपकी टीम में थोड़ी ना हूं, आगे देखो। मैं तो अभी डिसाइड किया, देखो दुनिया वासेपुर है, अभी बुड्ढों से बदला लेने का वक्त आ गया है, अभी जो भी फ्लाइट में लेता है ना मैं बुड्ढे के बाजू में ही बैठता है, क्योंकि मेरे को मालूम है फ्लाइट में जब भी टर्बुलेंस आएगा बुड्ढे का ब्लड प्रेशर मैं खुद ऊपर पहुंचाएगा अपने हाथों से। हर फ्लाइट इंडिगो 2 घंटा पहला पहुंचने का, जाने का काउंटर पे बोलने का आई वुड लाइक टू सिट नेक्स्ट टू अ 60-65 ईयर ओल्ड मैन, आई मीन जस्ट इन केस ही नीड्स एनी हेल्प, एंड लाइक आई मीन दे आर वेरी नर्वस व्हेन दे ट्रैवल एंड जस्ट लाइक टू हेल्प, एंड दे आर इंटरेस्टिंग टू लाइक टॉक टू ऑल्सो, एंड दिल पिघलते हुए देखा है कभी? वैसा होता है यार, वो भी आदमी सोच रहा है ये दलाई लामा हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, चल क्या है? उसको प्लान नहीं मालूम ना। हर फ्लाइट बुड्ढा इधर मैं इधर। फर्स्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कंफर्ट हिम, लाइक आस्क हिम क्वेश्चंस एंड ऑल, लाइक अंकल गर्मी बहुत बढ़ गया है नहीं? टिली सेज हाँ बेटा, और मुसलमान भी बहुत बढ़ गए नहीं इंडिया?
अभी बुड्ढा कंफर्टेबल है, अभी स्टोरी को आगे लेके जा सकते हैं। अंकल सुबह को पायलट देखा, एकदम गुस्से में चल रहा था, और नाम भी मतलब आसिफ शेख है, तो अभी देख लो आप। अरे बेटा डरने का नहीं, हाँ डरने का नहीं। मेरा बेटा मेरे को बोला फ्लाइट ट्रैवल इज सेफिस्ट, सेफिस्ट, कार एक्सीडेंट में ज्यादा लोग मरते हैं। अंकल बात तो सही है, पर कार एक्सीडेंट में लोग बचते भी है। मेरा 3 बार कार एक्सीडेंट हुआ, मैं इधर हूँ। क्या आपको कोई भी पता है इसका एक बार प्लेन एक्सीडेंट हुआ हो? वो फॉरेन का पिक्चर आया था, वो कैप्टन पानी में प्लेन लैंड किया, पानी में, जीरो कैजुअल्टी, वो ट्रू स्टोरी था। अंकल वो फॉरेन था, ठीक है, हमारे प्रॉब्लम अलग है। लास्ट टाइम स्पाइस जेट लिया, लैंडिंग के टाइम पे पायलट को मैं याद दिलाया कि पहिए नहीं खोले है। बोला पेड़ दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, पहिए खुलने का आवाज ही नहीं आया। पायलट बोला ओ। मतलब अंकल बाहर देखो, पानी में प्लेन लैंड होता है, लोग ढंग से निकल जाते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जमीन पे प्लेन लैंड होता है, चूते ऐसे निकलते हैं। यहाँ पे पानी में प्लेन लैंड होगा थोड़ी ना ऐसे ऑर्डरली फैशन में निकलेंगे, यहाँ पे पानी में प्लेन लैंड होगा तो कास्ट सिस्टम वाइज निकलेंगे, और गाय होगी तो पहले जाएगी। ये सब मैं बुड्ढे को बोल रहा है। तभी फ्लाइट में धपा धप टर्बुलेंस आया, लाइक 300 फीट फ्लाइट ड्रॉप हो रहा है, ओ ऊपर से सामान गिर रहा है, बुड्ढे का फट गया है, बुड्ढा ऐसा चेयर पे कांप रहा है। मैं तभी बुड्ढे से हाथ मिला, अंकल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बुड्ढा बटन दबाया स्ट्रेस में, उसको लगा बटन में सल्यूशन है। स्टूअर्डेस आई, सीट वीट पकड़ गया, बुड्ढा बोला दिस इज टू मच। सर बाहर मौसम खराब होने की वजह से। ठीक ही तो है, आप आसिफ जी को बोलो ठीक से चला है। वो फ्लाइट एक और ड्रॉप लिया, बुड्ढा सीट बेल्ट खोला, खड़ा हुआ और चिल्लाया जोर से बोलो, और कोई सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज अभी सबका फेथ साइंस में है। बुड्ढा चला जोर से बोलो, अरे तू तो बोल यार, फिर खुद ही बोल के जय माता दी। और अक्रॉस द आइल एक मुसलमान आदमी दाढ़ी और टोपी में सोच रहा है मैं अपना वाला चिल्ला देता तो क्या होता। मतलब देखो इतना सेक्युलर डेमोक्रेसी थोड़ी ना है कि एक मुसलमान आदमी दाढ़ी टोपी में खड़ा होके बोल दे अल्लाहू अकबर तो बुड्ढा खुद इमरजेंसी एग्जिट खोल देता। चलो दोस्तों अपना तो हो गया। 2014 के बाद जो भी होता है ना, इट्स फॉर एंड अगेंस्ट द मेजॉरिटी, लाइक इवन ट्रिपल तलाक, लाइक व्हेन ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट अबॉलिश्ड, आई वाज लाइक वो विमेन एम्पावरमेंट, वाओ। देन आई हर्ड ढोल्स बिलो माय हाउस, आई वाज हैप्पी, आई वाज लाइक मुस्लिम विमेन हैव कम आउट टू सेलिब्रेट दिस विद हिंदू इंस्ट्रूमेंट्स। I opened my window, I saw BJP guys dancing. And then I was like, yaar, these are not oppressed Muslim women. like, why are they dancing? Like, what do they have to do with triple talaq? Or women empowerment in general? Like, what do they require? They didn't look at triple talaq as women empowerment. They looked at triple talaq as cutting privileges of the Muslim man. Right? They were just like, यार तू कैसे तलाक 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 बोल के निकल रहा है। हम लोग में बीवी छोड़ना पड़ता है तो प्रधानमंत्री बनना पड़ता है दोस्त।
डाल दो इंटरनेट पे वाला ठीक है ना, हो गया, एडिटर भी है बजट लेके आते हैं, बजट वजट है थोड़ा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत पैसा दिया मेरे को